दुख रहा है बहुत, शायद इससे काम बन जाए। चल उतर जा जूते। बहुत खूब, ये तो खुद को भारी बनाने के साजो सामान भी इस्तेमाल करने लगा। तुम्हें तो मैं पकड़ ही लूंगा बंदर की दुम। मैं आ रहा हूँ। सब बेकार। बुद्धू बन गए क्या? वो तो एक मोटर है, सच बताऊं तो पता नहीं उसे पकड़ पाऊंगा या नहीं मैं। चाहो तो घर वापस लौट सकते हो। अरे यार जरा सोचो, प्रिंसेस स्नेक्स छोड़ने के बाद मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। ट्रेनिंग जारी रखने से पहले थोड़ा खा लूं तो चलेगा? चलो ठीक है, पका सकता हूँ पर बर्तन तुम्हें धोने पड़ेंगे। आखिरी बीन चाको भी चट कर गया। बीन से मुझे बदहजमी हो जाती है। तो दसारे निकल गए। ये मैंने क्या किया? यार माफ करना, बड़ी बेकार थी पर कम से कम मेरा पेट तो भर गया। इतने भद्दे तौर तरीके, सचमुच मुझे यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं। किंकाई खाना खत्म? थैंक्स, अब फिर से मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ अगर आपको एतराज ना हो तो। सुना तुमने बबल्स, चलो भागो। भाई एक लंबे अरसे से बबल्स इतना उत्साहित कभी नहीं हुआ था, उसे पकड़ना तो मुश्किल होने वाला है, अब पता चलेगा। अरे सुना तुमने, शुरू हो जाओ, बबल्स को पकड़ो नहीं तो तुम्हें मुझसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, समझ है? यस सर, किंकाई पूरी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। एक बात और, वो भारी कपड़े और जूते तुमने उतारे थे ना, उन्हें फिर से पहन लो, ये ज्यादा कारगर होगा। हाँ मैं जानता हूँ पर इसे पहनकर दौड़ना काफी मुश्किल काम होगा। जितना मुश्किल हो उतना अच्छा, सेंस के प्लेनेट पर मेरे प्लेनेट जितनी ही ग्रेविटी है। अरे आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, अरे वो भी हमेशा वजनों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो अब तुम समझे यही उनकी ताकत का एक राज है, पर बदकिस्मती से ये तो उनकी ताकत की जड़ भी नहीं है। देखो सेंस योद्धाओं में लड़ने की एक अनोखी पैदाइशी काबिलियत होती है, किसी दिव्य शक्ति जैसी, वो उनके खून में होती ही है। अरे फिक्र मत कीजिए, मैं भी एक सेन योद्धा हूँ। बाय। Ha ha ha!
ग्रास हॉपर मैन क्या? अरे बॉडम छोटा सा ग्रास हॉपर भाई चुप हो जाओ, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अपने आप को समझते क्या हो? पता है मैं दी ग्रेट गैगरी हूँ, अपने आप को समझते क्या हो? गैगरी मार्शल आर्ट्स का वो बेजोड़ उस्ताद जिसका किंग काई के अलावा कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारा अहम बेजोड़ है। देखो मुझे माफ करना, पर मैं वाकई महान हूँ। और ये सब क्या है? तुम्हें लगता है किंग का असली नहीं है? होंगे, पर उनके तरीके तो मुझे काटने को दौड़ते हैं। काटने को दौड़ते हैं, बहुत खूब। किंग का ये हंसने का वक्त नहीं है, किंग का प्लीज। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गोकू ग्रेगरी से मिलो, ये तुम्हारा अगला इम्तिहान। ये शख्स? जी हाँ, इतने हैरान मत बनो। पर किंग काई, मुझे लगा था कि आप मुझे खुद ट्रेन करने वाले हैं। आजकल आप किसी को भी सिखाने लगते हैं, है ना? और मुझसे इस जैसे को बर्दाश्त करने की उम्मीद रखते हैं ना? तो कोई लिहाज और ना कोई शर्म होया। कर लोगे? चलो अब शुरू करें। ये किस लिए है? बहुत बड़ा है क्राई, आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादती कर रहे हैं सर? नहीं, ये ठीक है। अरे कुकू जल्दी सोचो। कैसा है, इतना भारी चलेगा? तुम्हारी अगली ट्रेनिंग है उस हथौड़े से ग्रेगरी को मारना।
On your mark, get set, and go! On your mark, get set, and go! मुझे नहीं लगता था कि तुम स्पिरिट बॉम्ब से इतने चतुराई से निपट पाओगे। ये आसान नहीं था। गोकू, ये याद रखना कि स्पिरिट बॉम्ब को बनाने में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी जीवन के सारे स्वरूपों से इकट्ठा की जाती है, पेड़ों से, जानवरों से, पौधों से, ऊर्जा के उन कणों से भी बॉम्ब की ऊर्जा में योगदान मिलता है जिनसे हवा और वायुमंडल बना हुआ है। तो देखो, तुमने इस छोटे से ग्रह पर स्पिरिट बॉम्ब में महारत हासिल कर ली, पर जो स्पिरिट बॉम्ब तुम पृथ्वी पर बनाओगे उसके अनगिनत जीवन स्वरूपों के इस्तेमाल से उसमें इसके मुकाबले पे इंतहा ताकत होगी। और स्पिरिट बॉम्ब बनाते वक्त अगर सूरज निकला हुआ हो तब तुम एक ऐसे भयंकर पैमाने की ताकत पर नियंत्रण करने की कोशिश करोगे जिसमें जरा सी भी गड़बड़ी होने पर वो पृथ्वी को तहस नहस कर सकती है। मैं चाहूंगा कि हो सके तो स्पिरिट बॉम्ब का इस्तेमाल मत करना, पर करना ही पड़े तो बस एक ही बार करना, समझ गए? समझ गया। मैं सिर्फ क्यों के तकनीक के इस्तेमाल की ही कोशिश करूंगा, वही काफी रहेगी।